साथियों, बिहार में आईटी हब बनने की पूरी संभावना है। यहां पटना में भी आईटी की बड़ी कंपनी ने अपना ऑफिस भी खोला है। सिर्फ ऑफिस ही नहीं खोला है, बिहार के नौजवानों के लिए नए अवसर भी खुले हैं। बीते सालों में दर्जन भर बीपीओ पटना, मुजफ्फरपुर और गया में खुल चुके हैं। इससे भी अनेकों युवाओं को रोजगार मिला है। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था? मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, पुरानी चीजें याद करके एक बात जरूर अपने मन को सवाल पूछिए, आप मन में सोचिए, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। 15-15 साल तक वो जुल्म झेला है। भाइयों और बहनों, आज देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्हें जंगल राज के दौर में यहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज जब देश में एक नई टेक्नोलॉजी की क्रांति आ रही है तो बिहार का युवा अपने घर पर रहते हुए भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।